हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति और शिव बरात आयोजन समिति और इंद्रपुर युग नवयुग समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ, आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभु राम की जीवनी को जानने का नाट्य मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा, आपको यहाँ के सुंदरकांड हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे आज के बच्चे। हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है, प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है, आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग लें, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं जो साधु संत आ रहे हैं उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार है। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच, तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन, 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को धनबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर रैली के दौरान संघनाद करेंगे। 27 जनवरी को ही प्रधानमंत्री सिकंदरी में खाद कारखाने का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान भाजपा के सभी नेता मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर एनडीए के नेताओं ने बैठक कर रैली को सफल बनाने की रणनीति तैयार की है। वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दस्तक नहीं देने का काम किया, हर दरवाजे पर किसी न किसी योजना लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पहुंचने का काम किया है। गांव का गरीब किसान मजदूर शोषित वंचित सभी समाज सभी वर्ग के बीच में जो सबका साथ सबका विकास के भाव से जो इन्होंने काम किया है, उनके चाहने वाले नहीं चाहने वाले कोई अंतर नहीं, सबके लिए एक सोच के साथ काम करने का काम किया है। और वैसे प्रधानमंत्री जिसकी सराहना देश के लोग तो कर ही रहे हैं, दुनिया के लोग भी करने का काम कर रहे हैं, और वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन झारखंड के पावन भूमि और धनबाद की धरती में 27 तारीख को दोपहर में आगमन होने जा रहा है। स्वाभाविक है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेता और गरीबों के मसीहा, गरीबों को चिंता करने वाले, गरीबों को सेवा करने वाले नेता का इस धनबाद की धरती पर आगमन हो रहा है तो लोगों में उत्साह की भाव जगी है और गांव से कस्बा से टोला से महला से भारी संख्या में लाखों लाख की संख्या में उनकी बातों को सुनने के लिए धनबाद की धरती पर आने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम सुनिश्चित हुआ है, धनबाद के इस 3 लोकसभा क्षेत्र का क्लस्टर बना है और धनबाद में कार्यक्रम होगा आगामी 27 तारीख को, 27 जनवरी को तय हुआ और उसी को तैयारी लेकर आज 3 लोकसभा क्षेत्र का धनबाद गिरिडीह और कोडरमा 3 लोकसभा का क्लस्टर बना, सभी जिला के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग उपस्थित हुए और इसकी तैयारी पूरी होगी और लोग कैसे अधिक से अधिक आवे और उसके साथ साथ आगामी 22
तारीख को राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन होगा और स्थापना होगा, उसकी तैयारी को लेकर भी हर एक मंदिर में हर एक जगह पर काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी होगी, उसकी भी काफ़ी चर्चा होगी। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।